इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, सो दैट मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनी डागर, मैं आपका स्वागत करता हूँ वेट फैक्ट्स में। इस सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने फोन को अपने टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, वो भी विदाउट एनी वायर और पेन ड्राइव के। जी हाँ, आप वायरलेसली अपने फोन और टीवी को कनेक्ट करके आप मूवीज देख सकते हो, आप गाने सुन सकते हो, आप जो भी चाहे वो कर सकते हो। तो इसके लिए आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक स्मार्टफोन, उसके बाद आपको चाहिए होगा एक स्मार्ट टीवी। अगर आपके पास दोनों चीज़ें हैं तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे फोन और अपने टीवी को। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में कुछ सेटिंग्स करनी होगी, उसके बाद आपको अपने टीवी में कुछ सेटिंग्स करनी होगी। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपको स्मार्टफोन में क्या सेटिंग्स करनी है। दोस्तों, मेरे हाथ में Xiaomi Redmi 2 Prime और इस फोन को आप टीवी से कैसे कनेक्ट करोगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको सबसे पहले क्लिक करना है सेटिंग्स के ऊपर, उसके बाद आपको यहाँ पे मोर का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको जो सेकंड लास्ट ऑप्शन दिख रहा है वायरलेस डिस्प्ले, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वायरलेस जो डिस्प्ले का ऑप्शन है ये ऑफ है, आपको इसको ऑन करना है। ऑन करते ही आपका फोन आसपास के जितने भी वाईफाई डिवाइसेस हैं उनको सर्च करेगा। अगर उसको कोई भी ऐसा वायरलेस डिस्प्ले का डिवाइस नहीं दिखता है तो यहाँ पे आपको कुछ भी शो नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें हमारा टीवी शो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको अपने टीवी में थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी। वो क्या करनी होगी वो देख लेते हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने टीवी को ऑन कर लीजिए, इसके बाद आप अपने टीवी के होम बटन पे क्लिक कीजिए, इसके बाद आप सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स के बाद आप सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए। राइट, यहाँ पे हमारे पास पूरी सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको जाना है सेटअप के ऊपर। राइट, सेटअप पे क्लिक कीजिए, आप जाएंगे नेटवर्क के ऊपर, नेटवर्क पे क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा बिल्ट इन वाईफाई, जो अभी ऑफ है आपको उसको ऑन करना है, उस पर क्लिक कीजिए और उसको ऑन कर दीजिए। राइट, ये ऑन हो चुका है। अभी आपको एक सेटिंग ऑन कर रही है, आपको इसके नीचे जो ऑप्शन है वाईफाई डायरेक्ट, इसको भी ऑन करना है, तभी ये बाकी जो फ़ोन है उसकी स्क्रीन को यहाँ पे आपको दिख जाएगी। इसको आप ऑन कर दीजिए। राइट, ऑन करने के बाद अब हम अपने फ़ोन में वापस देख लेते हैं। अब हमें इस टीवी का जो नेटवर्क है वो हमारे फ़ोन में अब हमें दिख रहा होगा, तो मैं आपको फ़ोन में दिखा देता हूं कि आपको नेक्स्ट क्या सेटिंग करनी है। वापस से अपने फ़ोन पे जाइए और सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए, इसके बाद वहीं मोर पे क्लिक कीजिए और वायरलेस डिस्प्ले पे क्लिक कीजिए। तो अब आपको दिख रहा है कि आपको आपका टीवी का जो नेम है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। मेरे पास जो सोनी का टीवी है वो KLV 32 इंच W512D मॉडल है, तो ये उसका टीवी का नेम जो यहाँ पे दिख रहा है। इस पर क्लिक करके मैं अपने नेटवर्क के साथ, अपने टीवी के नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकता हूँ और अपनी फ़ोन की स्क्रीन को कास्ट कर सकता हूँ टीवी के ऊपर। राइट, इसके लिए आपको एक सेटिंग और करनी है अपने टीवी के ऊपर। राइट, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करना है इस पर क्लिक करने से पहले। तो दोस्तों, अभी तक हमने बिल्ट इन वाईफाई ऑन किया था, वाईफाई डायरेक्ट ऑन किया था। इसके नीचे का जो ऑप्शन है वाईफाई डायरेक्ट सेटिंग्स, इस पर भी आपको क्लिक करना है। राइट, इसके बाद ये जो टीवी है ये अब वेट कर रहा है किसी वाईफाई डिवाइस का कनेक्ट होने के लिए। राइट, तो अब आपको वापस से अपने फ़ोन के ऊपर जाना है और आपको उस ऑप्शन पे क्लिक करना है जहाँ पे आपको इस टीवी का नेम दिख रहा था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। दोस्तों, यहाँ पे जो आपको टीवी का नेम दिख रहा था इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपका जो डिवाइस है ये आपके टीवी के साथ कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रिपेयरिंग स्क्रीन मिररिंग। राइट, ये आपको दिख रहा है आपका जो फोन है वो आपके टीवी के साथ कनेक्ट हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसमें वीडियो कैसे प्ले कर सकते हैं, आप इसमें ऑडियो कैसे प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा फ़ोन कनेक्ट हो गया है मेरे टीवी के साथ। आपको ये वीडियो में मैं थोड़ा सा डार्क कलर में दिख रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि जैसे ही मेरी स्क्रीन की ब्राइटनेस ऑन हो गई है, मेरे कैमरे का पूरा जो फोकस है वो टीवी के ऊपर चला गया, इसलिए इसने बाकी के जो एरिया को डार्क कर दिया है। राइट, कोई बात नहीं, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसमें वीडियो कैसे प्ले कर सकता हूँ। आप बैक कीजिए, आप वीडियो के ऑप्शन पे जाइए, मैंने MX प्लेयर को ओपन किया है। राइट, इसके बाद मैं यहाँ से जो स्क्रीन जो मेन्यू है वहाँ से मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। राइट,
दोस्तों देखिए, जो मेरे फोन में वीडियो प्ले हो रही है वो सेम वीडियो मेरे टीवी में प्ले हो रही है, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसके अंदर म्यूजिक कैसे प्ले कर सकते हो। आप म्यूजिक के ऊपर जाइए, राइट, आप म्यूजिक के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, आपको सारे जो सॉन्ग्स हैं आपके फ़ोन के वो आपको आपके टीवी पे दिख जाएंगे। आप मेन्यू में से जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग है वो प्ले कीजिए। मैं आपको अपना फेवरेट सॉन्ग यहाँ पर प्ले करके दिखा रहा हूँ, राइट। यहाँ पे जो भी आपका सॉन्ग प्ले होगा उसकी जो वॉइस है वो आपके फ़ोन में नहीं, अब आपके डायरेक्ट टीवी में प्ले होगी। जी हाँ, अगर आपके फ़ोन में कोई सॉन्ग प्ले हो रहा है तो उसकी वॉइस फ़ोन में नहीं सुनाई देगी, आपको सिर्फ टीवी में सुनाई देगी। इसकी एक यहाँ पे लिमिटेशन ये है कि जब तक आपके फ़ोन की स्क्रीन ऑन रहेगी तभी तक आपका जो फ़ोन है वो आपके टीवी से कनेक्ट होगा। जैसे ही आपके फ़ोन की लाइट ऑफ हो जाती है आपका कनेक्शन भी ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि जब भी आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करो टीवी के साथ, आप अपने फ़ोन की ब्राइटनेस, जो इसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस है, वो हमेशा के लिए ऑन रख दो, राइट। बाई डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग रखते हैं कि अगर जब आप अपने फ़ोन को यूज़ नहीं कर रहे हो तो आफ्टर 10 सेकेंड या 15 सेकेंड आपके फ़ोन की डिस्प्ले ऑफ हो जाए, उसको हटा दीजिए और आप इसकी डिस्प्ले को ऑटोमेटिकली हमेशा के लिए ऑन रख दीजिए जब तक आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करके रखे हो अपने टीवी के साथ। तो दोस्तों इस सेक्शन में इतना ही। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज आपके लाइक, आपके कमेंट्स, आपके सब्सक्राइब मुझे एनकरेज करते हैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और बनाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।